रावतसर क्षेत्र में 5 दिन पहले आई तेज बारिश के साथ हुई भीषण ओलावृष्टि से किसानों द्वारा बोई गई नरमा कपास की लहलाती फसलें चौपट हो गई। अब किसान मजबूरन कड़ी धूप में हाथों से नरमे की बिजाई करने को मजबूर है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने 5 दिन बीत जाने पर भी किसानों की कोई खैर खबर नहीं ली। किसान आज भी अपनी उजड़ी हुई खेती को एक बार फिर से आबाद करने का प्रयास करते हुए हाथों से बीजारोपण करने में लगा हुआ है। शुक्रवार को मैं आया बहुत भयंकर है ओला पड़िया बहुत ज़्यादा, अंदर में धरती धोरी होगी सारी। मेरे बाद में पौधा सारा नरमा सारा खराब हो गया, टूट गया। बिजाई भाई बहुत महंगी पड़ गई, पानी सिंचाई और करी दोबारा फिर करा तो बहुत महंगा पड़ा। वो तो पता भी ला कर कोई पौधो सेट हो तो सवेर भाई कुछ ही को नहीं, कौन संभाला, कोई जमींदार ने कौन देखा है, कोई कौन देखा है, कोई सरुआ करे कोई और करे, लाल नरमो टूटियो कोई संभाले को नहीं। आगे पौधा सारा खराब हो गया, सारा सर ये डांकड़ा से निकल गया सारा, की कौन टूटियो कोई संभाला हाथ को नहीं। अब दोबारा भी जहाँ बहुत खर्चा पड़ ला रहे दवाई तो पता तोपा बैठा। दो दिन पहला बरसात आई, ओला आया, जखेड़ो आयो बहुत ज़्यादा, ये आज 6 महीना की खेती बर्बाद होगी। वागने में क्यों सर्वे करो, सेक्रेटरी ने ग्राम सेवक ने सब ने कह दियो, वहाँ बोले कि बीमा कंपनी हो कहाँ है वो, अब हमारी आप भरपाई किया हुआ है, इम डीजल बढ़ी हुआ है, भी बीज की खर्चो लग गया है, रेप पड़ी है, बहुत ज़्यादा खर्चो आए हुए, भी हमारी कोई सुनवाई भी कोई होना रही, अब एक भरपाई किया करांगी किन जाओ, जमींदार की कोई सुन नहीं कौन लग रही हूँ।